आप लोगों का जो फाइनेंस एक्ट है ना, लेटेस्ट वाला, वो आ चुका है। उसका आर्टिकल अभी आया है एक दो दिन पहले। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था लास्ट मीटिंग में कि फाइनेंस एक्ट में इस बार चेंजेस बहुत बहुत कम है, यानी मिनिमम चेंजेस हैं। तो वही एग्जैक्टली वही है, यानी समझ लो ना होने के बराबर चेंज है। मैं अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो 2-3% चेंज है, ओवरऑल 2-3% चेंज है, समझ गए। और ये भी अब एक्सपेक्टेड ही होगा कि नेक्स्ट 4 ईयर्स तक ये टैक्स रेट्स ऑलमोस्ट फ्रीज रहेंगे, यानी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें सेम रहेंगी, जो मैंने बताया था ना कि एक वेबसाइट पर उन्होंने डिस्कशन है। अब यहाँ देखें, टैक्स में 3 चीज़ें बहुत अहम है। देखिए, हम यहाँ से बिल्कुल अब बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ से आज से शुरू कर रहे हैं, राइट। टैक्स में 3 चीज़ें बहुत अहम है। पहला काम क्या है, इनकम्स कैलकुलेट करना। यानी अगर कोई हमसे आके, मुझे आके कोई बोलता है कि सर मैं आपका टैक्स कैलकुलेट करके दूंगा, तो मैं पहले बोलूंगा बेवकूफ, पहले ये तो पता लगाओ मैं कमा के आ रहा हूँ, सोचो ना। तो डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेशन कोई भी नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर कभी भी किसी का टैक्स कैलकुलेट करना है तो आपको ये पता लगाना होगा भाई वो कमा क्या रहा है, वो कमा। तो पहला काम है इनकम्स कैलकुलेट करना। इनकम्स सोचना शुरू करो, इनकम्स बहुत सारी तरह की है। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसकी इनकम बिजनेस इनकम है। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम है। अगर कोई किसी बंदे ने बैंक में पैसे रखवाए हैं तो वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी। तो डिफरेंट टाइप्स की इनकम्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की इनकम्स होती हैं। तो पहला अमल क्या है, इनकम्स कैलकुलेट करना। पहला काम क्या है, इनकम्स कैलकुलेट करना। एक बार आपने इनकम कैलकुलेट कर ली, अब दूसरा अमल उस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना, उस इनकम पे। और तीसरा अमल है उस टैक्स को पे करना, उस टैक्स को। तो ये पूरा कोर्स इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। ये पूरा कोर्स बहुत हद तक इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा, इनकम्स कैलकुलेशन नंबर 2 और तीसरा। अच्छा, आज की क्लास में और अगली कुछ क्लासेस में जो अब हम करेंगे वो ये स्टेप पे हूँ, मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आ रहा हूँ। क्या नाम है इसका, टैक्स कंप्यूटेशन। यानी अभी क्या होगा, आपको पहला स्टेप तैयार गिवन होगा, आपको पहला स्टेप, यानी आपको सवाल में इनकम्स रेडीमेड गिवन होंगी, इनकम्स रेडीमेड गिवन होंगी, रेडीमेड गिवन होंगी, इनकम्स आपको रेडीमेड गिवन होंगी, आपको क्वेश्चन में इनकम्स रेडीमेड, और आपने डायरेक्ट टैक्स निकालना है। अब इधर देखें, टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम्स को 2 हेड्स में क्लासिफाई कर दिया है, एक नॉन सेविंग और दूसरा सेविंग, एक नॉन सेविंग दूसरा सेविंग। पहला सवाल बच्चे ने कहा, ये इनकम्स को अलग अलग हेड्स में डिवाइड क्यों किया है? जवाब सुनो, क्योंकि इन इनकम्स के टैक्स रेट्स अलग अलग हैं, इन इनकम्स के टैक्स रेट अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। सर टैक्स रेट अलग अलग क्यों है? ताकि मोटिवेशन लोगों का डिफरेंट हो। जैसे आप आज की क्लास के एंड तक या नेक्स्ट मीटिंग तक आपको पता लग जाएगा कि सबसे कम टैक्स रेट डिविडेंड इनकम का है, किसका है? तो डिविडेंड इनकम का कम टैक्स रेट रखने का मकसद क्या है? ताकि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ताकि लोग स्टॉक मार्केट में। तो इस वजह से उन्होंने इनकम्स को डिफरेंट हेड्स में क्लासिफाई किया हुआ है। तो एक हेड है नॉन सेविंग, दूसरा क्या है? नॉन सेविंग में आपके पास ट्रेडिंग इनकम है, एम्प्लॉयमेंट इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम है और पेंशन है, सही है? ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम और पेंशन। और सेविंग्स में क्या क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम। ओके, हम आज की क्लास की पहले जो बिस्मिल्लाह करेंगे ना, स्टार्टिंग करेंगे, वो नॉन सेविंग से करेंगे। किससे करेंगे? नॉन सेविंग से करेंगे। अब यहाँ देखें बेटा, आपके पास नॉन सेविंग के ये टैक्स रेट्स हैं। बज़ाहिर मैंने यूँ तोड़ तोड़ के लिखा है 0 to 5,000, फिर लिखा है 5,000 to 37,700, लेकिन इन दोनों का टैक्स रेट एक ही है। आंखें खोलो, इन दोनों का टैक्स रेट। तो असल में क्या है बताऊँ? असल में ये एक ही बैंड है, 0 to 37,700 एक ही बैंड है, 0 to 37,700। तो बच्चे ने कहा फिर तुमने ब्रेकअप करके क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे आज की क्लास के भी पढ़ानी है और अगली क्लासेस भी पढ़ानी है। तो अगली क्लासेस में इस ब्रेकअप का एक रीजन आपके सामने आएगा, लेकिन अभी आप अगर गौर करो तो ये दोनों का रेट एक ही है, दोनों का रेट। तो 0 to 37,700 रेट क्या है? 20%। देन 37,700 एंड 1 to 150,000 रेट क्या है? एंड 150,000 एंड अबव कितना है? अब याद रखना, मैं नीचे लिख रहा हूँ, दीज आर बैंड्स, दीज आर बैंड्स। सर ये क्या मतलब इसका? बैंड्स का मतलब ये है, सुनिएगा, अगर किसी बंदे की इनकम है 200,000 pounds, कितनी है, तो ये मत करना कि 200,000 pounds इससे ज़्यादा है ना, तो उसकी पूरी इनकम पे 45% नहीं लगा देना, ये गलत हो जाएगा। होगा क्या, पहले 37,700 पे रेट कितना है, उसके बाद जो एडिशनल इनकम है उस पर रेट, और फिर जो 150,000 के ऊपर इनकम है उस पर रेट क्या होगा? 45%। ये है, समझ गया बात को? तो दीज आर बैंड्स। एक और चीज़ समझ लो, स्टार्टिंग की बातें बता देता हूँ। ये जो 20% वाला, ये वाला शुरू का रेट है, इसको बोलते हैं बेसिक रेट। क्या बोलते हैं?
इसको कहते हैं हायर रेट, 40% यानी सेकंड मैंड वाले रेट को क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एडिशनल रेट. क्या बोलते हैं? बेसिक रेट, हायर रेट, एडिशनल रेट. बेसिक रेट, हायर रेट और एडिशनल रेट. तवज्जो. अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बनाता हूं और उसके क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूं. यहां देखें, एक साहब है उसके पास प्रॉपर्टी इनकम कितनी है, 60,000. एक साहब है उनके पास प्रॉपर्टी इनकम कितनी है, बोलो. अब देखो, मैंने पहले एक चीज बोली थी, अब आपको इनकम्स रेडीमेड गिवन होंगी. इनकम्स रेडीमेड गिवन होंगी, एक सेकेंड होल्ड. अब इधर देख लो, इधर देख लो, सामने देख लो. जब इस बंदे के पास कोई और इनकम नहीं है, बस मैं कह रहा हूं यही इसकी इनकम है, और इस बंदे के पास कोई और इनकम नहीं है, तो यही इसकी क्या होगी, टोटल इनकम होगी. यही इसकी क्या होगी, टोटल इनकम होगी. अब हर इंसान को साल में एक बार, हर इंसान को साल में एक बार जब वो अपना टैक्स पे करने जा रहा होता है ना, तो टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको एक फिक्स रिलीफ दिया है. फिक्स क्या दिया है? और उसको बोलते हैं पर्सनल अलाउंस. क्या बोलते हैं? वापस सुन लें, बंदे की इनकम कितनी है, एक ही इनकम है, तो यही उसकी टोटल इनकम होगी और कोई इनकम ही नहीं है. ठीक है, राइट. अब हर इंसान जब साल में एक बार अपना टैक्स पे करने जा रहा होता है, क्या पे करने जा रहा होता है, तो टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक फिक्स रिलीफ देता है और उसको बोलते हैं पर्सनल अलाउंस, यानी उतने अमाउंट का एक्सपेंस अलाउड होता है. और वो आपके इस फिस्कल ईयर में वो नंबर है 12570. क्या नंबर है? 12571257. तो मैंने इसमें से लेस किया पर्सनल अलाउंस, देखते रहे पर्सनल अलाउंस 12570. जरा इसमें से लेस करें, 60,000 में से लेस करें. फोर सेवन फोर थ्री जीरो इज योर टैक्सेबल इनकम. अब यहां आराम से सुने, गौर से सुने. बच्चे ने कहा क्या ये पर्सनल अलाउंस यूके में हर इंडिविजुअल को अलाउड है? हाँ, हर इंडिविजुअल को अलाउड है. तो इसका एक और मीनिंग सामने आया. सोचो, अगर किसी इंसान की इनकम यूके में 12570 से कम हो, अगर किसी इंसान की इनकम यूके में 12570 से, उसको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा. यही होगा ना, उसको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा. भाई अगर कोई 10,000 pounds कमा रहा है तो पर्सनल अलाउंस की नजर हो जाएगा, 12,000 pounds कमा रहा है तो भी पर्सनल अलाउंस ही खत्म हो जाएगा. तो 12570 तक अगर आप यूके में कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स. और यही आपको मैंने बताया भी था इंट्रोडक्शन में, प्रोग्रेसिव निज़ाम में गरीबों पे कम टैक्स और अमीरों पे. तो इसका मतलब यूके में अगर कोई 12570 pounds या उससे कम कमा रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, उस पर कोई टैक्स. ठीक है, और बाकी लोगों के लिए ये रिलीफ मिल जाएगा कि पहले 12,570 pounds माफ है, 12,570 pounds. जी नहीं, पूरे साल का एंड में टैक्स कैलकुलेशन पूरे साल का है. अब नीचे जो इनकम बची है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम. क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम. टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिस पर डायरेक्टली अब टैक्स रेट लगेगा. क्या लगेगा? टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिस पर डायरेक्टली क्या लगेगा? टैक्स रेट. चलो आंखें खोल लो. प्रॉपर्टी इनकम वो जो मैंने इनकम्स की क्लासिफिकेशन बताई थी उसमें से कहाँ लाई करती है? नॉन सेविंग. वेरी गुड. कौन सी इनकम है ये? तो मैंने यूं करके स्लैश NS, ये अब मैं नॉन सेविंग को आज के बाद मैं NS लिखूंगा. क्या लिखूंगा? अब जरा मैं आपके सामने एक स्केच बना रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो. देखो उधर बैंड्स देखो, मैंने यहाँ लिखा 0 से लेके 37,700 एक बैंड बनाया. बच्चे ने कहा वो तो 5,000 का ही बैंड था. मैंने कहा नहीं, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही मैंने जानबूझ के ब्रेकअप दिया है. और दूसरा मैं ब्रेकअप दे रहा हूँ 150 पे. कितने पे दे रहा हूँ? 150. अलर्ट होके बैठे बताएं, 0 से लेके 37,700 के बीच में कितना गैप है? गैप बताओ, इसके बीच में कितना फासला है? डिफरेंस लो 37,700. वेरी गुड. तो इस बैंड की कैपेसिटी कितनी हुई? 37. और जरा इन दोनों का डिफरेंस लो, इन एक 112,300. तो मैं यूं बोलूंगा, देखो आंखें खोल लो. फर्स्ट बैंड की कैपेसिटी है 37,700 और सेकंड बैंड की कैपेसिटी क्या है? अब सिर्फ देखो गाड़ी कैसे ऑटोमेटिक चलती, बिल्कुल नॉर्मल चलना. सुनो,
ये टैक्सेबल इनकम आ गई थी। टैक्सेबल इनकम के दो मीनिंग है। टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जो आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल अलाउंस है, नंबर एक। नंबर टू, टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जिस पर अब डायरेक्टली टैक्स रेट अप्लाई होगा, जिस पर डायरेक्टली, जो डेफिनेशन सही लगती है समझ लो, ठीक है। अब मैंने इसको उठाया, इधर देखो, इधर देखो, इसको उठाया और यहाँ नॉक किया, कितनी जगह है इसमें और ये इनकम कितनी है। तो ये इनकम ज्यादा है, ये जगह कम है, तो पूरा बैंड यूज हो जाएगा, पूरा पहला बैंड हम यूज कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ टैक्स कंप्यूटेशन हो रही है, ये लिखा है एनएस, ये कितना अमाउंट है 37,700। अब बताओ इस फर्स्ट बैंड का टैक्स रेट क्या है, इनटू 20%। कोई एक बच्चा अमाउंट बता दे, 740, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा टैक्स कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा सा टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब इधर देखना, आपकी हकीकत में टैक्सेबल इनकम थी कितनी, 47,430 में से कितने अमाउंट पर टैक्स निकाल लिया, 47,430 में से आपने 37,700 पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया। हाँ, कितना बच गया, 9,730 बच गया। हाँ जी, अब मुझे बताओ ये 9,730 ये बैंड तो खत्म हो गया ना, ये बैंड तो खत्म हो गया, या यूं बोलो कंज्यूम हो गया, ये बैंड खत्म हो गया या क्या हो गया। तो अब ये 9,730 किस बैंड में आएगा, सेकंड बैंड में आएगा। ये 9,730 किस बैंड में आएगा, और सेकंड बैंड में तो यार क्या जगह है, 1,12,000 की जगह है, तो आराम से आ जाएगा ना भाई। सेकंड बैंड में कितनी कैपेसिटी है देखो, 1,00,000, बहुत बड़ी कैपेसिटी है, तो आराम से आ जाएगा। तो आपने फौरन से यहाँ लिखना है 9,730 टाइम्स कितना है, हाँ 3,892। मेरे प्यारे बच्चों दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करो, 114 इनकम टैक्स लाइबिलिटी, ये जो फाइनल आंसर आता है इसको बोलते हैं इनकम टैक्स लाइबिलिटी, सही है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी खिदमत में सॉल्व कर दिया, प्लीज कॉपी कर लें। गिवन कभी भी नहीं होगा, आपको याद होगा ये हमेशा, आज अभी थोड़ी देर में, बल्कि अभी तक याद हो भी चुका होगा। लिख लिया, और इसी को मैंने बेटा हॉरिजॉन्टली बना दिया है, देखो टाइमलाइन के थ्रू बना दिया, सही है। आप टाइमलाइन से नहीं करना चाहो तो वैसे डायरेक्ट कर लो, ऑब्वियसली एक ही चीज़ है, मैं सिर्फ टाइमलाइन पे बना के दिखा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, बच्चों वाला सवाल होगा, इससे भी ईजी सवाल दूंगा, रब कर दूँ, रेडी है ना। चलो अब आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें है ट्रेडिंग इनकम 10,000 और एम्प्लॉयमेंट इनकम है आपके पास 25,000, ठीक है। चलो
टैक्स कैलकुलेट करके दें, इस इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेट करके दें। हर एक के लिए फिक्स है भाई, ऑब्वियसली फिक्स बैंड्स हैं, ये एग्जाम में भी आपको गिवन होंगे बेटा, ये एग्जाम में गिवन होंगे आपको, लेकिन आपको अभी आज की क्लास में ये हिप्स हो जाएंगे, कोई ऐसी इसमें चीज थोड़ी है। कर लिया। अब मुझे बताओ आपके पास टोटल इनकम कितनी आई? 35। टोटल कितनी आई? चलो बात सुनना, अब हर इंसान को साल में एक बार, हर इंसान को साल में एक बार जब अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहा होता है तो कितना फिक्स पर्सनल अलाउंस मिलता है? 12570, 125। अब पर्सनल अलाउंस का पूरा पूरा नाम नहीं, P.A, दैट्स इट। चलो पर्सनल अलाउंस इज 12570। चलें जी बताएं कितना है? 22,000। ठीक है, ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम, ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। और अब ये एक दो सेकंड में सवाल खत्म। सुनो, टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिस पर डायरेक्टली टैक्स रेट अप्लाई होता है, डायरेक्टली। ये रेट बैंड्स मैंने आपके सामने रख दिए, वहां भी लिखे हुए, और ये प्योर नॉन सेविंग इनकम है, दोनों नॉन सेविंग थी। आपने इसको पिक करोगे, इसको पिक करके यहाँ नॉक करोगे, तो इस बार जगह बहुत है ना, पहले बैंड में ही 37,700 की कैपेसिटी है, जबकि ये कितना है? 2243, तो आराम से फर्स्ट बैंड में आ जाएगा। बस आपने यहाँ लिखना है NS नॉन सेविंग 2430 टाइम्स इस बैंड का रेट क्या होता है? 20%। गुड आंसर बोलो, 4486। ओके, दिस इज योर ITL। ITL का फुल फॉर्म है इनकम टैक्स लाइबिलिटी, इनकम टैक्स। सही सही कर लिया जी। आप थोड़ा सा लेट आए मेरे दोस्त, ये दोनों नॉन सेविंग इनकम के अंदर ऐड आता है, मैंने इससे पहले भी कुछ लिखवाया था, किसी से कॉपी कर लो, नॉन सेविंग है ये दोनों। कर लिया? हाँ अब मैं एक चीज पहले लिख रहा हूं इधर देखो, विच इज कॉल्ड फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर।
मैंने डिविडेंड के भी टैक्स रेट लिख दिए हैं, डिविडेंड्स के भी टैक्स रेट लिख दिए हैं, देख लें। बात करें, हाँ अच्छा देखें बेटा, ये एक टर्मिनोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इधर देखें, फिस्कल ईयर क्या लिखा है? फिस्कल ईयर वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री अपना बजट बनाता है, कोई भी कंट्री अपना। जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा ना, 1 जुलाई टू 30 जून, हमारे मुल्क का फिस्कल ईयर क्या है? 1 जुलाई टू, हमेशा जून जुलाई में बजट आता है ना, देखो पूरी अनाउंसमेंट होती है। तो फिस्कल ईयर वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए कोई भी कंट्री अपना बजट बनाता है, एक। और पाकिस्तान में यह है 1 जुलाई टू 30, हर मुल्क का अपना अपना है। अफगानिस्तान में 21 मार्च से 20 मार्च, लेकिन ये दोनों मुल्क अभी हमारे काम के, हम कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं? यूके टैक्स। तो यूके में फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को और एंड होता है 5 अप्रैल को। यूके में फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को और एंड होता है 5 अप्रैल को, ओके। और जिस फिस्कल ईयर के लिए हम अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है 2022-23 फिस्कल ईयर, 2022-23। तो वो स्टार्ट कब होगा? देखो, 6 अप्रैल 2022 को एंड होगा और 5 अप्रैल 2023 को एंड होगा, सही है, राइट? ये हमारा फिस्कल ईयर है। अच्छा, फिस्कल ईयर की इससे भी अच्छी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ जो ज़्यादा आप लोगों के लिए रेलिवेंट है, मैंने नीचे लिखा है। फिस्कल ईयर वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए कोई भी इंसान, इंसान इंडिविजुअल गवर्नमेंट के सामने हाजिर होकर पूरा टैक्स की पेमेंट करता है। तो इंडिविजुअल पेज टैक्स फॉर फिस्कल ईयर। तो आज के बाद ये जहन में रखें, कभी भी फिस्कल ईयर का नाम आया ना तो आपके जहन में इंसान जरूर आना चाहिए। फिस्कल ईयर इंसान, इंडिविजुअल पेज टैक्स फॉर, यानी ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए कोई भी इंसान गवर्नमेंट के सामने हाजिर होता है और टैक्स पे करता है, राइट, ओके। तो टैक्स की जो पेमेंट्स होती है, टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है, वो फिस्कल ईयर वाइज होती है। इवन टैक्स के जो नए रेट्स आते हैं वो फिस्कल ईयर वाइज आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्लास में एंटर होते आज क्या बोला था कि इस फिस्कल ईयर में अब चेंजेस, यानी इसका मतलब पिछले फिस्कल ईयर और इस फिस्कल ईयर में कोई मेजर चेंज, ऑलमोस्ट टैक्स का कोर्स सेम ही रखा है इन्होंने, राइट, समझ रहे हैं? तो इंडिविजुअल पेज टैक्स फॉर, और हम जिस फिस्कल ईयर के लिए, अब जो हमारा, हमारे लिए एग्जामिनेबल है वो कौन सा है? 22-23, 2022-23। और वो स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, आपके सामने, डन है, हाँ। अब अभी तक जो हमने टैक्स कैलकुलेशन थोड़ी सी पढ़ी है वो नॉन सेविंग के लिए पढ़ी है, किसके लिए पढ़ी है? अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इनकम्स ऐड करते जाऊंगा। अब नेक्स्ट इनकम मैंने आपकी खिदमत में लिखी है डिविडेंड, क्या लिखी है? चलो, डिविडेंड इनकम के बारे में सबसे अहम बात, डिविडेंड इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस भी बोल सकते हो, कैश बेसिस भी, ये दोनों सही है। डिविडेंड इनकम इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस या कैश बेसिस, यानी आपको अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको 22-23 फिस्कल ईयर, 2022-23 फिस्कल ईयर का टैक्स निकालना होगा। किसका निकालना होगा? 2022-23 फिस्कल ईयर का टैक्स निकालना होगा, सुनना। तो अगर आपके पास बहुत सारी डिविडेंड इनकम गिवन होगी तो आपको देखना होगा कौन सी डिविडेंड इनकम को मैं इंक्लूड करूं और कौन सी नहीं करूं, कौन सी इंक्लूड करूं और कौन सी। तो सीधा सा तराजू है, सीधा सा बैरोमीटर है रिसीविंग डेट। रिसीविंग, अगर रिसीविंग डेट आपके फिस्कल ईयर में, इस फिस्कल ईयर के अंदर फॉल कर रही होगी तो इंक्लूड करना, वरना इंक्लूड। अगर रिसीविंग डेट फिस्कल ईयर के अंदर इंक्लूड कर रही है तो उसको इंक्लूड करना और उस पर टैक्स कैलकुलेट करना, वरना। मैं एक मिसाल देता हूँ, इधर देखो, सब बच्चे बोर्ड पे देखो। अगर वो आपको बोलेगा कि हमने रिसीव किया है डिविडेंड 1 जनवरी 2022 को, क्या तुम इंक्लूड करोगे? नहीं करोगे। 1 जनवरी 2022 यहाँ कहीं पीछे आ रही है। अगर वो बोलेगा कि हमने अगस्त 2022 में रिसीव किया है, करोगे? अगस्त 2022 फिस्कल ईयर के अंदर लाई करती है, देखो ना, फिस्कल ईयर की बाउंड्री बनी हुई है। अगर वो बोलेगा कि हमने फेब 2023 में डिविडेंड रिसीव किया है, बिल्कुल करेंगे, अंदर ही लाया कर रही है, आंखें खोलो, फेब 23 इन दोनों डेट्स के बीच में लाया कर रही है ना। तो भाई, आपने सिर्फ वही डिविडेंड अपने पास कैलकुलेशन में शामिल करने हैं जिसकी रिसीविंग डेट हमारे फिस्कल ईयर के अंदर लाया करती है, हमारे फिस्कल ईयर के अंदर, बस इतनी सी बात है। अब आ जाओ,
डिविडेंड इनकम में ये गुड न्यूज है, वैसे तो अभी सिर्फ पढ़ लो क्योंकि मैं अभी अगले एक मिनट के अंदर ही सॉल्व कराऊंगा, तो तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें तो प्रैक्टिकल में ही समझोगे। फॉर डिविडेंड इनकम निल रेट बैंड, एक नया नाम है निल रेट बैंड, शॉर्टकट में उसको बोलते हैं एनआरबी, निल रेट बैंड एनआरबी, और निल का मतलब ही जीरो है, तो इस बैंड को बोलते हैं 0% बैंड। क्या बोलते हैं? ऑफ 2000 अवेलेबल, ऑफ 2000 अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स पेयर्स स्टेटस। सुनो यहां देखें भाई, आज इसका सिंपल मतलब बता दूं, सब बातें ड्रामेबाजी छोड़ो, आज के बाद कभी भी डिविडेंड इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना शुरू करोगे, डिविडेंड इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना शुरू करोगे, तो एक काम करना, पहली जो 2000 की डिविडेंड इनकम है उसको 0% से मल्टीप्लाई कर देना, उस पर टैक्स ही नहीं है। पहले 2000 की डिविडेंड इनकम को खत्म, इसको बोलते हैं निल रेट बैंड। क्या बोलते हैं? वापस बोलूं, कभी भी डिविडेंड इनकम पे कोई भी छोटा बड़ा मोटा सेठ अरबपति खरबपति किसी का भी टैक्स निकाल रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द औकात, औकात मत देखना उसकी, उसके डिविडेंड इनकम के जो पहले 2000 की डिविडेंड इनकम होगी ना उसको डायरेक्ट ठक 0%। सही सही, बच्चे ने कहा सर डिविडेंड इनकम के टैक्स रेट आप बता सकते हैं? मुंडी वहां उधर नजर ले जाओ, नजर ले जाओ, आ जाओ, जीरो से लेके 37,700 तक पहले बैंड का रेट क्या है, अगले का, उसके बाद इसके रेट्स कंपैरेटिवली कम है, इसके रेट्स कंपैरेटिवली कम है, कंपैरेटिवली कम है, देखो नॉन सेविंग के सामने कम है, नॉन सेविंग के सामने मैंने आपको इसकी एक छोटी सी लॉजिक ये भी दी थी कि इसकी वजह, इसके पीछे वजह ये है ताकि लोगों के अंदर मोटिवेशन हो स्टॉक मार्केट के लिए। सही है? हाँ हाँ, चलो उसके अलावा, हाँ 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 हाँ, बहुत सारे बेनिफिट देने पड़ते हैं क्योंकि यूके में टैक्स रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा है, वैसे ही एक बदनाम जगह है टैक्स के लिहाज से बहुत, बल्कि मैं कोर्स के बीच में कहीं ये साबित करूंगा, वो जो कहते नहीं है बड़े बूढ़े अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि बाहर मत जाओ आधी कमाई टैक्स में चली जाती है, डायलॉग सुना है ना, वो तो मैं साबित करूंगा कि आधी से ज़्यादा वो टैक्स में खींच लेंगे। चलो क्या हायर रेट, हायर रेट, अब लिखो बेटा, अच्छा जो ब्रैकेट में मैं डेट लिख रहा हूं वो रिसीविंग डेट है, डिविडेंड की रिसीविंग डेट, क्वेश्चन कॉपी कर लें क्विक, क्वेश्चन कॉपी कर लो बेटा, क्वेश्चन कॉपी कर लो प्लीज, नहीं नहीं यही फिक्स, नहीं 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 बेटा फिक्स इसी यही आ, इसी में आएगा, नहीं नहीं 22-23 एक साल पीछे चलता है इससे, यानी वैसे अब कुछ ही दिनों बाद 23-24 का फिस्कल ईयर शुरू हो जाएगा, लेकिन ACC एक साल पीछे चलता है। हाँ जून क्या, अगली चार अटेम्प्ट तक यही फिस्कल ईयर है, अगली चार अटेम्प्ट तक लिख लिया, ये क्वेश्चन कॉपी किया आपने, सवाल मैं खुद कराऊंगा, आपने पहला सवाल है ना क्योंकि आपने नई नई चीज है, क्वेश्चन लिखा कितने तरीके की इनकम गिवन है क्वेश्चन में, जाओ बोलो, दो ट्रेडिंग इनकम कौन सी कैटेगरी थी, नॉन सेविंग, और दूसरा डिविडेंड है, दूसरा क्या है? चलो अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में चेंज आ जाएगा, यहां देखिए आपने डिविडेंड की रिसीविंग डेट ब्रैकेट में पढ़ी थी, वो हमेशा पढ़नी होगी, अब देखो मैंने दो कॉलम बनाए, एक पे लिखा NS नॉन सेविंग और दूसरे पे क्या लिखा डिविडेंड, देखो अब कॉलम की फॉर्म में काम होगा, दूसरे पे लिख दिया क्या डिविडेंड, अब देखते रहे लिखना नहीं है, लिखना मना है, यहां लिखा ट्रेडिंग इनकम, बताओ किस कॉलम में डालूं ट्रेडिंग को, जबरदस्त 20,000 कॉन्फिडेंस से बैठो, मुश्किल काम नहीं कर रहे कोई, अगला नाम मैंने लिखा डिविडेंड, कितना है, दोनों अपने अपने कॉलम में लिख दिया, दोनों को अपने अपने कॉलम में लिख दिया जनाब, अब यहां देखें आपने करा टोटल इनकम कितना 20,
और ये 12, सही। अब यहाँ आके गाड़ियां रोकते हैं। बच्चे ने कहा यार आपने अभी बताया था कि पर्सनल अलाउंस साल में एक बार मिलता है, एक ही बार मिलता है सारी बात है, और वो कितना है 12, 5, 7। तो अब इनकम इस बार दो दो इनकम्स है, किस इनकम में से लेस करें, किस इनकम से लेस करें। अब देखो इसका फिक्स लॉ है यहाँ और लॉजिक भी दे रहा हूँ। ऑलवेज ऑलवेज गिव फॉर पर्सनल अलाउंस, ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू नॉन सेविंग इनकम। फॉर पर्सनल अलाउंस ऑलवेज गिव first priority to non saving income, first priority to non saving income, first priority to non saving, yani hamesha pehle non saving mein se less karna, agar bach jaye, agar unused bach jaye to fir dividend ki taraf leke jana. Bacche ne kaha iski logic kya hai, logic suno. Idhar dekho non saving ka tax rate high hai, non saving ka tax rate, to allah ke bando us income ko kam karne mein zyada fayda hai na jiska tax rate high ho, उस इनकम को कम करने में ज्यादा फायदा है जिसका टैक्स रेट, तो नॉन सेविंग का टैक्स रेट हाई है, नॉन सेविंग का टैक्स रेट सही है। तो अभी इधर आए, मैंने यहां लिखा पर्सनल अलाउंस, सब देखते रहे 12570, देखते रहना। नीचे आ गया टैक्सेबल इनकम, डिफरेंस लेना यार 7000 कुछ आएगा ना, 474 30 ना, 30 है, 7430 और ये 12000 टैक्सेबल इनकम आ गई। आ गई भाई टैक्सेबल इनकम आ गई, आवाज सुनना। टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिस पे डायरेक्टली टैक्स रेट अप्लाई होता है। हाँ, तो अब बच्चे ने कहा कि टैक्स कंप्यूटेशन किस ऑर्डर में होगी, टैक्स कंप्यूटेशन किस ऑर्डर में होगी, टैक्स कंप्यूटेशन किस ऑर्डर में होगी। एक मिनट, दो दो इनकम्स है ना, एक नॉन सेविंग है और एक डिविडेंड, एक नॉन सेविंग है और एक, आवाज सुनना, जिस ऑर्डर में तुमने पर्सनल अलाउंस यूटिलाइज किया था उसी ऑर्डर में टैक्स कैलकुलेशन होगी, जिस ऑर्डर में तुमने पर्सनल अलाउंस यूटिलाइज किया था उसी ऑर्डर में। सुनो, आपने पहले नॉन सेविंग पे पर्सनल अलाउंस यूज करा था और सेकंड प्रायोरिटीज की थी ना, तो हमेशा टैक्स कंपटीशन भी पहले इस पे होगी और फिर दूसरी इनकम्स पे होगी, ठीक है। हाँ, अब स्टार्ट कर रहे हैं, बोर्ड पे देखते हैं, बोर्ड पे देखें कितना ये 7-4, चुपचाप इसको पिक किया और इस बैंड को नॉक किया। जगह कितनी है, बहुत ज्यादा है ना, 37700 की जगह है, और ये इनकम कितनी है, आराम से नॉन सेविंग में आ जाएगा, बल्कि अभी भी जगह बचेगी, अभी भी जगह। चलो, मैंने यहाँ लिखा NS नॉन सेविंग, सुनो ये है 7430, और बताओ नॉन सेविंग के फर्स्ट बैंड का रेट कितना होता है, 20%, कितना होता है भाई, 1486, यही है। अब सुनना भाई, इस बैंड में इतनी कैपेसिटी थी लेकिन कुछ यूज हो गई, कुछ कितनी यूज हुई, 7474। तो अब बताओ अभी भी बहुत सारी कैपेसिटी बची हुई होगी, मैं लिख नहीं रहा लेकिन बहुत सारी बची हुई होगी, करीब बताओ कितनी, 30 यानी अभी भी 29000 के करीब, 29000 के करीब कैपेसिटी। तो जो अनयूज कैपेसिटी होगी वो दूसरी इनकम में यूज होगी, जो अनयूज कैपेसिटी होगी वो दूसरी इनकम में। अब बताओ दूसरी इनकम का नाम क्या है, क्या नाम है, आप लोग लिखे मत प्लीज, बात माने, थोड़ी देर आराम करें। दूसरी इनकम का नाम क्या है, अब डिविडेंड इनकम पे जब भी टैक्स कैलकुलेट करो रोबोट बन जाओ, पहला काम ऐसा है जो ऑटो है, ऑटो। डिविडेंड इनकम पे जब भी टैक्स कैलकुलेट करो पहले 2000 पे 0%, पहले 2000 पे 0%, पहले 2000 पे, इसको बोलते हैं नील रेट बैंड, NRB NR। चलो, मैंने यहां लिखा डिविडेंड, बच्चों यहां देखो डिविडेंड लिखा और डायरेक्ट क्यों लिखा, NRB 2000 का 0%, कितना जीरो हो गया। होश में रहे, देखो 12000 की इनकम में से कितने पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया, कितनी बची 10000, कितनी बची। और अब मैं हिस्टोरिकल डायलॉग बोलने जा रहा हूँ, एक साथ सुनना, एक साथ आंखों से सुनो, सामने देखो, बेशक NRB का रेट 0% है, NRB का रेट क्या है, लेकिन NRB तुम्हारा बैंड कंज्यूम करता है, बैंड को खाता है, बैंड को, तो तुम इस बैंड में खड़े थे ना, तो NRB तुम्हारे बैंड को खाएगा, तो फौरन से बैंड को यहाँ यूज कर दो कितने से। अब मुझे बताओ अब तुम्हारे बैंड में कितनी जगह बची है, तुम्हारे बैंड में कितनी जगह बची है, बोलो 28270 की कैपेसिटी अभी बची है, अभी भी तुम्हारे बैंड में 28270 की कैपेसिटी। तो बेटा मैं फिर ये डायलॉग बोलता हूँ, आराम से सुने, NRB का रेट बेशक 0% है लेकिन NRB आपके बैंड को कंज्यूम करता है, ठीक है। अब बताओ डिविडेंड इनकम कितनी थी,
12,000 में से 2,000 पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया, अब रिमेनिंग 10,000 पे आराम से सुनो नॉर्मल टैक्स निकालो जिस तरह निकलता है। 10,000 उठाया और बताओ इस बैंड में जगह है ना, कितनी जगह है और ये इनकम कितनी है, तो आराम से इस बैंड में आ जाएगी। आंखें खोलें और बताओ इस वाले बैंड का डिविडेंड का रेट क्या है, 8 पॉइंट। तो आप यहां लिखोगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8.75% कितना आया, 875 आ गया। हाँ जी, कोई एक बच्चा इन सबको ऐड कर ले इसको और इसको, दो ही चीजें ऐड करो, चलो आईटीएल आ गई। हाँ, 2361 नहीं कौन से, नहीं ये प्रेजेंटेशन के खिलाफ है, गलती हो जाएगी, नहीं कर सकते, शो करना है ये प्रेजेंटेशन दिखानी। कर लिया, ये अभी आप लोग की खातिर, लेकिन हाँ आपको एक रफ पेपर मिलता है, आप उसमें करना चाहो कर लो जिस तरह आपकी खुशी। अभी बिगनर भी तो हो ना, थोड़े से एक आध क्लास में रवा भी हो जाओगे, ये भी तो देखो बिगनर हो ना, लेकिन काम इतना मुश्किल नहीं होता, ये कोई प्रैक्टिस है, वही मैथ्स की तरह मैंने बोला था ना, इट्स लाइक मैथ्स। नहीं, बैंड्स तो उन्होंने सेम रखे ना कि भाई इंसान इससे ऊपर कमाएगा तो वो हाईर रेट में जाएगा। हाँ, हाईर रेट हर एक का अलग अलग है। हाँ, बैंड सेम है, क्योंकि आप लेट आए हो सिर्फ यही जवाब है, इनको अभी मर्ज ही समझो। लेकिन मैंने इस तरह इसलिए ब्रेकअप रखा है क्योंकि मुझे अगली क्लास में कुछ स्पेशल चीजें पढ़ा, वरना उस वक्त तुम्हें तकलीफ होगी ये मैं बताया काफी सारे डायलॉग्स क्लास के बिगनिंग से कनेक्टेड होते हैं, ये मैंने शुरू में, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है।
स्टार्ट कर लें, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन है। चलो Now you have trading income of 25 and dividend receive of 45,000. Start कर लें, start कर लो। मैं कराऊंगा, अभी देख लेता हूँ, मुझे नहीं याद है, कराऊंगा। बेटा चेक करें, ट्राई किया, कर लिया। सुनिए अब बेटा, यहां देखो, मैंने थोड़ी फनकारियां कर दी है, थोड़ी बहुत, ये वो रूटीन काम है यार, कोई बड़ा काम नहीं है, पर्सनल अलाउंस लेस किया और कुछ भी नहीं किया। चलो अब सबसे पहले टैक्स किस पे कंप्यूट होगा? नॉन सेविंग पे। किस पे होगा? कितनी है? 1, 2, 4, 3। इसको पिक करोगे, यहां नॉक करोगे, ये इनकम, ये कैपेसिटी ज्यादा है वो इनकम, तो पहला बैंड फुल यूज हो जाएगा। सॉरी, नॉन सेविंग इनकम आराम से फर्स्ट बैंड में आ जाएगी, 1, 2, 4, 3, 0, और नॉन सेविंग के फर्स्ट बैंड का रेट क्या है? 20%। कितना? 2486, ठीक है। अच्छा, ये 37700 की ऑफिशियल इसकी कैपेसिटी थी, कितनी यूज हो गई?
12430, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बची होगी, अभी भी बहुत सारी बची हुई होगी। तो डिविडेंड इनकम का एक अच्छा खासा पोर्शन, डिविडेंड इनकम का एक अच्छा खासा पोर्शन इसमें आ जाएगा, डिविडेंड इनकम का एक अच्छा खासा पोर्शन इसमें आ जाएगा। चलो अब इधर देखो, डिविडेंड इनकम पे बात आई, कितनी डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम 45,000 है। जब भी आपने डिविडेंड इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है, जब भी आपने डिविडेंड इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है, सुनना, तो पहले 2000 पे 0%, पहले 2000 पे विच इज कॉल्ड एनआरबी, विच इज कॉल्ड एनआरबी। तो आपने यहां लिखा डिविडेंड और एनआरबी, 2000 का 0% कितना होता है, जीरो होता है, 2000 का 0% जीरो होता है जी। अच्छा बेटा, 45,000 में से 2000 पे टैक्स कैलकुलेट हो गया, हाँ। और अभी बोला था कि एनआरबी का बेशक रेट 0% है, लेकिन हाँ 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 एनआरबी बैंड को कंज्यूम, तो इस बैंड में खड़े हो ना, तो इस बैंड को एनआरबी ने कंज्यूम किया होगा। जरा रिमेनिंग कैपेसिटी बता दें भाई साहब, 23270 की कैपेसिटी बच गई, 23270 की कैपेसिटी बच गई। अब आओ डिविडेंड इनकम कितनी बची है, 43। मैंने क्या बोला है कि डिविडेंड की सिंपल रूल रखो, डिविडेंड पे हमेशा पहले एनआरबी और उसके बाद नॉर्मल टैक्स, पहले एनआरबी फिर अब नॉर्मल टैक्स निकालते हैं डिविडेंड इनकम पे। आइए, 43,000 की डिविडेंड इनकम है, उठाया और इस पे नॉक किया, कितनी जगह बची है, तो कैपेसिटी कम बची है, इनकम ज्यादा है, कैपेसिटी कम है और इनकम, तो ये पूरी बची हुई कैपेसिटी खा लेंगे, पूरी बची हुई कैपेसिटी यूज कर लेंगे, कितनी है, 23,270। और बताओ डिविडेंड के इस फर्स्ट बैंड का रेट क्या है, 8.75%, 8.75% बोलो, 2036। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, इधर देखो, 43,000 की इनकम में से 23,270 23270 पे टैक्स कंप्यूट कर लिया, कितना, हाँ 19,030 ना, 330 ना, 19730 की आपके पास इनकम बच गई है, डिविडेंड इनकम। और आप सुकून से सोचो, ये फर्स्ट रेंट टोटली कंज्यूम है, टोटली, तो अब गेम किस में आएगी, सेकंड में आएगी ना, किस में आएगी, तो इधर देख लें, इधर देख लें, इसमें कैपेसिटी कितनी है, 112,300, तो ये 19730 तो आराम से आ जाएगी, हाँ। तो आपने यहाँ लिखा 19730, और बताओ इस बैंड का रेट क्या है, 33.66। बेटा ये सबको ऐड कर लें, ITL is 11, 11181, that's it, चलो हो गया, किसी ने किया था, हाँ कर लिया था। अच्छा देखो, मैंने एक डायलॉग लिख दिया यहाँ, दीज बैंड्स आर, इसका मतलब ये कि एक बार अगर कोई एक बैंड पूरी तरह कंज्यूम हो गया, तो फिर वो दूसरी इनकम में यूज नहीं हो सकता, एक बार कोई बैंड खत्म हो गया तो अगली इनकम पे जाना, इसी का नाम है प्रोग्रेसिव निज़ाम, इसी का नाम है प्रोग्रेसिव भाई, वरना तो एक ही बैंड में रहोगे तुम, आप ज़्यादा कमा रहे हो तो अब अगले बैंड में जाना होगा ना, सोचो ना। तो दीज बैंड्स आर डिस्पोजेबल बैंड्स, दीज बैंड्स आर डिस्पोजेबल बैंड्स। कर लिया, हाँ मैं नंबर चेंज करूं जरा सा, चलो ये करो, देखते हैं थोड़ा सा आपका, हल्का सा मैंने फ्लेवर चेंज किया इसमें, हल्का सा फ्लेवर चेंज है। ट्रेडिंग इनकम इज 11,000 एंड डिविडेंड इनकम इज 42,000। करो करो भाई, जाहिर बात है, और क्या करना है।
जी पहली प्रायोरिटी में, लेकिन अगर बच जाए तो उसको जाया नहीं करना दूसरी इनकम में। प्रायोरिटी का यही मतलब है ना, एनआर भी तो मिलेगा, मिलेगा बेटा क्या वो अलग से शो करना ना भाई, टैक्स कंप्यूटेशन के अंदर एनआर भी जो है वो टैक्स कंप्यूटेशन के अंदर शो करना। कर लो मैं करा दूंगा भाई, फेल थोड़ी हो जाओगे। कर लिया, चेक करें यहां देखें 11,000 ये आ गई टोटल, ये 42। अब जरा सोचो पर्सनल अलाउंस है 12570, ठीक है, लेकिन इस बार नॉन सेविंग इनकम सिर्फ कितनी है? तो मैंने आपसे कहा था कि पर्सनल अलाउंस को यूज करने की पहली प्रायोरिटी ये है और फिर ये है। तो प्रायोरिटी का मतलब पहले इसमें यूज कर लो जितना कर सकते हो, कर लिया 11,000 पूरा, हाँ, अब बचा कितना 15, वो यहां आ जाएगा, जाया थोड़ी करना है भाई, जाया क्यों, हमारा ही है ना। चलो कितना बचा, 40430, पक्का 40430, 404। अब जरा, अब ये मजे का सवाल है यार, ये देखो तो सही, तो यहां लिखा है डिविडेंड, इस बार नॉन सेविंग इनकम तो है ही नहीं ना, नॉन सेविंग इनकम क्या है, जीरो है ना, तो नॉन सेविंग में तो टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होगा। सामने देख लो बस, कॉन्फिडेंस से देखो, हो गया। डिविडेंड पे कभी भी टैक्स कैलकुलेट करना है रोबोट बन जाओ, बताया था पहले 2000 पे, पहले 2000 पे 0%, फर्स्ट 2000 पे यहां लिखा एनआरबी 2000 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया। हाँ, दूसरा डायलॉग इधर देखो, 40430 में से 2000 पे टैक्स कैलकुलेट हो गया। हाँ जी, कितना बचा होगा यहां, 38430। अब कितनी बार बोला है कि एनआरबी का बेशक रेट 0% है, लेकिन हाँ 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 एनआरबी बैंड को कंज्यूम, बैंड खाता है। तो आप इस बार डायरेक्ट यहाँ खड़े थे ना, तो एनआरबी ने यहाँ 2000 खाली हैं भाई आपके, ये 2000 आपके खाली हैं, तो 35700 की अब कैपेसिटी बची हुई है, अब 35700 की कैपेसिटी बची हुई है। हाँ चलो इधर देखो, इधर तो देखो आपकी इनकम कितनी बची है,
अब नॉर्मल डिविडेंड पे टैक्स निकालो, जैसे नॉर्मल टैक्स निकालते हो, बिल्कुल साधु सिंपल बन के ये उठाया 38,430 और नॉक किया, जगह कितनी है? तो बेटा जगह कम है और वो इनकम, तो पूरी बची हुई कैपेसिटी खा जाएंगे, पूरी बची हुई कैपेसिटी। तो कितना है ये? 35,700। और इस बैंड का टैक्स रेट डिविडेंड का है 8.75%। बताओ 3124 यही है। अब अगली बात सुनो, 38 ये बैंड खत्म हुआ, खलास, ये फर्स्ट बैंड दी एंड। 38,430 में से 35,700 पे टैक्स कंप्यूट कर लिया, कितना बचा? 27। कॉमन सेंस की बात है, जब ये पूरा पहला बैंड ही खत्म हो गया है तो ये 2730 अब इस बैंड में आएगा। हाँ, 2730 अब इस बैंड में आएगा। तो 2730 जब इस बैंड में आएगा तो डिविडेंड के इस बैंड का रेट है 921। आंसर ना, आंसर बोल रही हो, 921। चलो ITL निकाल दो, 4045, दिस इज योर ITL। गेम समझ गए इसमें? कौन सी 11,000? बेटा पर्सनल लोन से खत्म हो गई ना, माफी दे दी ना। नहीं बेटा, जिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा नीचे, जहाँ जिस पे कैलकुलेशन हो रही है वो कंज्यूम कर रहा है, जिसकी तुम यहाँ कर रहे हो ना कैलकुलेशन, वो ऊपर कंज्यूम हो रहा है। रब कर दें, हाँ चलें, इंटरेस्ट इनकम की हेडिंग दें, इंटरेस्ट इनकम की हेडिंग दे दें, इंटरेस्ट इनकम की हेडिंग दे दें।
कर लिया। डन है। चलो बात सुनो, इंटरेस्ट इनकम अब बहुत सारा ग्राउंड बन चुका है तुम्हारा, बच्चे नहीं हो। वंस अगेन वही बात, इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो टैक्सड ऑन रिसीट बेसिस। इसमें भी रिसीट बेसिस यानी रिसीविंग डेट बहुत अहम होगी। अगर रिसीविंग डेट इसी फिस्कल ईयर में लाए कर रही है तो इंटरेस्ट इनकम को इंक्लूड करना, वरना छोड़ देना। सही है, वही डिविडेंड वाली बात। डिविडेंड इनकम की भी बेसिस क्या थी? रिसीट बेसिस थी, कैश बेसिस थी। इंटरेस्ट इनकम की भी क्या है बेसिस ऑफ असेसमेंट? कैश बेसिस और रिसीट बेसिस। मींस रिसीविंग डेट मस्ट फॉल इन आवर फिस्कल ईयर। रिसीविंग डेट मस्ट फॉल इन आवर फिस्कल ईयर। अगली बात सुनो, अब ये तीन बातें बहुत अहम है। देखो डिविडेंड इनकम में क्या करा था, डिविडेंड इनकम में उन्होंने कहा था कि इंसान की कोई भी औकात हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, अरबपति हो, सबके लिए 2000 का 0%, सबके लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस, याद है। लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट इनकम में मामला कुछ और रखे। सामने देखें, मैंने नीचे देखो ब्लू मार्कर से लिखा है, इंटरेस्ट इनकम में भी एनआरबी मिलता है। इंटरेस्ट इनकम में भी एनआरबी मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम का एनआरबी डिपेंड करता है आपके स्टेटस के ऊपर, आपके आपकी औकात के ऊपर। आओ पढ़ो पहली लाइन। If individual is basic rate taxpayer, गरीब आदमी, if individual is basic rate, छोटा आदमी होता है, तो उसको interest का NRV कितना मिलेगा? 1000 pound, कितना मिलेगा? If individual is higher rate taxpayer, थोड़ा अमीर आदमी, थोड़ा, तो उसका interest का NRV सिर्फ कितना हो जाएगा? और if individual is very अमीर, बहुत अमीर है, if individual is additional rate taxpayer, 45% वाला, then no interest NRV is, नहीं मिलेगा, interest का NRV available। और बिल्कुल लॉजिकल बात है, क्या अमीर आदमी को इतनी रिलीफ की जरूरत? वैसे ही सेट है वो, वैसे ही। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखो फर्क सोचो, डिविडेंड इनकम में एनआरबी हर हाल में मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस, और वो कितना है? 2000, वो कितना है? और इंटरेस्ट इनकम का एनआरबी डिपेंड करता है आपके स्टेटस पे, आपके। तो अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो तो आपको इंटरेस्ट का एनआरबी कितना मिलेगा? हायर रेट वाले को और एडिशनल रेट वाले को। और ये भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि किस तरह पहचानना है कि बंदा कौन है, बंदा बेसिक रेट है, हायर रेट टैक्स पेयर है या एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, वो सिखाऊंगा। और आज के बाद ये हम पे फर्ज हो गया। देखो यहाँ रुक के एक चीज़ अपने डिक्शनरी में डाल लो कि जब भी सवाल में इंटरेस्ट इनकम आएगी, जब भी सवाल में क्या आएगी, तो ये लाजमी आपने चेक करना है कि बंदे की औकात क्या है, कि बंदा बेसिक रेट टैक्स पेयर है या हायर रेट है या एडिशनल रेट है। हाँ हाँ, बच्चे ने कहा इसके टैक्स रेट बताओ, उधर देखो, आ जाओ इधर। अब मैंने फॉर्मल इस तरह आपको एग्जाम में टैक्स रेट गिवन होते हैं, ये वो स्टाइल है जिसमें टैक्स रेट आपको ये एग्जाम में गिवन होंगे, ये एग्जाम में गिवन होते हैं। सुनो, देखिए बेटा, इंटरेस्ट का जो पहला जो छोटा बैंड है, अब देखो छोटा बैंड में डिस्क्रिमिनेशन हुई, 0 to 5000, इसलिए ये अलग बनवाया था, कितना है? फिर 40-45, यानी अगर देखो ना तो इंटरेस्ट इनकम का बैंड नॉन सेविंग जैसा ही है, नॉन सेविंग सिवाय इस पहला छोटे बैंड के, सिवाय इस पहले। सही, अब डिविडेंड के रेट वही लिख दिए जो आपके सामने। तो अब मुझे बताओ सबसे कम टैक्स रेट किसका है? डिविडेंड। सबसे कम टैक्स रेट किसका है? डिविडेंड। इनकम का टैक्स रेट सबसे कम है, डिविडेंड इनकम का टैक्स रेट, तभी मैंने उसको सबसे कोने पे लिखा है, सबसे कॉर्नर पे लिखा है, राइट? ओके। और आज के बाद टैक्स कंपटीशन का ऑर्डर भी यही होगा, हमेशा टैक्स पहले किस पे कैलकुलेट होगा, फिर इंटरेस्ट, और फिर इसी तरह पर्सनल लोन्स। पर्सनल लोन्स आपको कंज्यूम करना होता है ना, पर्सनल लोन्स कंज्यूम करना होता है तो पहले हमेशा किस पे करोगे? फिर डिविडेंड। हाँ, चलो एक क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो। अब क्वेश्चन मैं ओरल बता रहा हूँ, लिखो। पहले क्वेश्चन लिखो, प्रॉपर्टी इनकम प्रॉपर्टी इनकम 55,000, प्रॉपर्टी इनकम 55,000 लिखा। अब लिखें इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000,
इंटरेस्ट रिसीव 10,000 ब्रैकेट में डेट डाल देना 1/1/2023 इंटरेस्ट रिसीव 10,000 ब्रैकेट में डेट डाल देना 1/1/2023 और फिर लिखें डिविडेंड्स रिसीव 20,000 डिविडेंड्स रिसीव 20,000 सेम डेट डाल देना इसमें भी डिविडेंड पे भी सेम डेट डाल देना 1/1/2023 20,000 और डेट डालना 1/1/2023 रिक्वायरमेंट आईटीएल रिक्वायरमेंट आईटीएल आपने नहीं करना मैंने करना है सवाल मैं कराऊंगा रिक्वायर्ड आईटीएल जी अभी ये भी तो देखना है 0% का बैंड हर सवाल में लगेगा भी नहीं ये डायलॉग पढ़ो क्या लिखा है पक्का पढ़ लिया और पहले टैक्स हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा तो एनएस अगर बहुत ज्यादा होगी तो एनएस इन सबको खा जाएगी इन सबको खा जाएगी तो डिविडेंड को मौका ही डायरेक्ट यहां से मिलेगा समझ रहे हो हाँ भाई दीज बैंड्स आर तो और हमेशा ऑर्डर क्या है सबसे पहले टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है तो जब इंटरेस्ट का नंबर आता है ना तो कई बार इंटरेस्ट डायरेक्ट यहीं आके गिरता है यहीं से शुरू होता है या यहीं से शुरू होता है जरूरी नहीं है ये बैंड अवेलेबल हो यस लेकिन अब तुम्हारा एक और सवाल है सर क्या आप अपने कोर्स में उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे बिल्कुल करवाएंगे एग्जाम में भी आता है लेकिन एक वक्त के साथ टाइम के साथ ठीक है यानी मैं इसको यूं बोलता हूँ टैक्स के कोर्स में स्पेशली ये इसको पढ़ाने का उसूल है टैक्स टैक्स में छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अभी अभी इस चैप्टर का तुम्हें 10% नॉलेज है इस चैप्टर में और बहुत कुछ है लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करता जाऊँगा एक एक चीज़ अनफोल्ड करके एक एक चीज़ आपको बताऊँगा भाई ये भी है इसमें ये भी है ये भी है समझ रहे हो लेकिन वो राइट टाइम पर क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं ना चलो यहाँ देख लें अब आज के बाद तीन कॉलम बनेंगे कितने बनेंगे एक नॉन सेविंग एक इंटरेस्ट और डिविडेंड अच्छा मुश्किल कुछ नहीं यहाँ अपने माइंड में एक मैसेज ये तो वो नॉर्मल लोग करते हैं यार नॉन सेविंग इंटरेस्ट और डिविडेंड ठीक है चलो प्रॉपर्टी इनकम कहाँ आएगी नॉन सेविंग प्रॉपर्टी इनकम इज नॉन सेविंग कितनी थी 55 प्रॉपर्टी इनकम 55 ओके इंटरेस्ट कितना था 10 और ये 20 था याद है चल भाई ये देखो इधर 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 ठीक है जी अब अगर आप टोटल निकालते हो तो टोटल इसकी आ रही है 55 इसका 10 इसका 20 सही है हर इंसान के बच्चे को साल में एक बार साल में पर्सनल अलाउंस मिलता है और पर्सनल अलाउंस अभी बोल चुका हूँ कितनी बार बोल दिया है कि इसको लेस करने की हमेशा पहली प्रायोरिटी होती है नॉन सेविंग फिर इंटरेस्ट फिर डिविडेंड लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नॉन सेविंग बहुत है बहुत है पर्सनल अलाउंस 12570 जनाब 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 कितना बचा 42 यही है यही है टैक्सेबल इनकम आ गई टैक्सेबल इनकम आ गई अब देखो आज के बाद एक अमल ऐसा है जो हमेशा कर रहा है अब रुक जाओ पूरे सब बच्चे रुको वो अमल सीख लो जब भी सवाल में इंटरेस्ट का नाम है तो बंदे की औकात चेक करनी है बंदे का स्टेटस चेक करना है बंदा कौन है और स्टेटस चेक करने के लिए कोई और इनकम नहीं सिर्फ टैक्सेबल इनकम वाली रो को ऐड करना है ये सारी टैक्सेबल इनकम को ऐड करो ये कितनी है 42430 ये कितनी है तो ये हो जाएगा 72 मैं फिर बोल रहा हूँ बंदे का स्टेटस जब भी चेक करना हो कि बंदा बेसिक रेट टैक्स पेयर है हायर रेट है एडिशनल रेट है तो टैक्सेबल इनकम को ऐड करना और किसी इनकम को ऐड ये कर लिया ऐड अब आंखें खोल लो
ये 72430 इससे ज़्यादा है, यानी 37700 से ज़्यादा और 150 से, तो इसमें लाए कर रहा है ना, तो ऐसे बंदे को बोलेंगे हायर रेट टैक्स पेयर। क्या बोलेंगे? अगर इन केस ये टैक्सेबल इनकम इसके अंदर अंदर होती है तो इसको बोलते हैं बेसिक रेट टैक्स पेयर, और अगर ये टैक्सेबल इनकम इससे भी ऊपर होती, 150 से भी ऊपर होती, तो बंदे को बोलते हैं एडिशनल रेट टैक्स पेयर। समझ गए? सिंपल। तो इस बार ये कौन है? तो हायर रेट टैक्स पेयर का मैं छोटा नाम लिखूंगा HRTP, हायर रेट टैक्स पेयर। मैं शॉर्टकट में लिखूंगा HR, हायर रेट टैक्स पेयर है। चलो रुको रुको रुको, बताओ ये क्यों स्टेटस चेक कर रहा हूं उसका? क्योंकि इंटरेस्ट इनकम का NRV स्टेटस पे डिपेंडेंट है। इंटरेस्ट इनकम का NRV किस पे डिपेंडेंट है? सही है, बंदे के स्टेटस पे। तो बताओ इस बंदे को कितना NRV मिलेगा? 500 मिलेगा। सही है, देखते रहो सीख जाओगे। आ जाओ, अब टैक्स कंप्यूटेशन में सबसे पहले किस पे टैक्स होगा देख तो लो। नॉन सेविंग पे? हाँ देख तो लो। इसको उठाया और यहाँ नॉक किया, ये कैपेसिटी क्या है और वो इनकम पूरा कंज्यूम कर लेंगे। आ जाओ यहाँ लिखा NS 37700 का, बल्कि इधर लिखता हूँ, ठहरो इधर लिख रहा हूँ, सोरा NS कितना है 37700 का 20%। बोलो बोलो 75। अच्छा अब ये वेरिएंट खत्म हुआ, इस पर नजर भी नहीं रखना। 42430 में से 37700 पे टैक्स कंपटीशन हो गई, कितनी बची? 47। मेरे प्यारे बच्चों सिंपल बात कर रहा हूँ, पहला बैंड तो खत्म हो गया, तो इसको उठा के यहाँ नॉक करके यहाँ डाल देंगे, और ये तो दरिया है यार, इधर तो बहुत है। हाँ तो अब बाकी 47430 का इस बैंड का रेट, नॉन सेविंग के सेकंड बैंड का रेट होता है 40%। बोलो 189 यही है। अच्छा बेटा अब ये थोड़ा सा मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 4730 है। अब बताओ इस वाले बैंड को 4730 से कंज्यूम कर लिया, अभी भी बहुत बचा हुआ होगा, बहुत भाई 112,000 है ना, बहुत बचा हुआ है। अब बचाओ बेटा, नॉन सेविंग पे टैक्स कंपटीशन हो गई, अब आते हैं इंटरेस्ट पे। किस पे? मेरी तरफ देख लें, सिंपल बात, जैसे डिविडेंड की बात थी इसकी भी सिंपल है। जिस तरह डिविडेंड पे भी टैक्स कैलकुलेट करने के क्या उसूल थे? पहले NRV फिर नॉर्मल टैक्स, पहले NRV फिर नॉर्मल टैक्स, पहले NRV फिर। तो इंटरेस्ट इनकम पे भी आम हालात में जब भी टैक्स निकालना हो, यही आवाज सुनो, पहले NRV फिर नॉर्मल टैक्स, पहले NRV फिर। लेकिन ये याद रखना इंटरेस्ट इनकम का NRV इंसान की औकात पे डिपेंड करता है। हाँ तो इस बंदे की औकात क्या थी? ये हायर रेट टैक्स पेयर था, तो इसको कितना NRV मिलेगा? 500। जबरदस्त। आपने यहाँ लिखा इंटरेस्ट, हाँ NRV 500 का, NRV का रेट क्या होता है? जीरो ना, जीरो हो गया। अब दूसरा डायलॉग सुनो, पुराना है, माना NRV का रेट 0% होता है, लेकिन हाँ NRV बैंड कंज्यूम, तो आपने यहाँ 500 लेस किया, कितना आया? 9500। यही है। अब मैंने क्या बोला? पहले NRV फिर नॉर्मल टैक्स फिर, तो इसको उठाया, अब देखो उठाया 9500 को, पहले यहाँ नॉक किया, जगह है, इसने बोला आगे जाओ, चलो इधर आए, बहुत जगह है ना, इधर बहुत जगह है ना। अच्छा इसने अभी 500 का NRV भी यूज़ किया है भाई, इधर अभी बहुत जगह है इधर, तो आराम से इंटरेस्ट इनकम यहाँ आ जाएगी, और इंटरेस्ट इनकम के ये वाले बैंड का रेट क्या है? तो ये हो जाएगा 9500 टाइम्स 40%। बोलो ठीक है, हाँ पक्का। तो चलो थोड़ा सा और कंज्यूम हो गया ये, अभी भी बहुत जगह है, अभी भी सेकंड बैंड में बहुत जगह है, नंबर्स तो देखो। अब बताओ इंटरेस्ट भी हो गया, अच्छा ये वेरिफिकेशन भी तुम कर सकते हो, सर क्या पूरे 10,000 के इंटरेस्ट पे टैक्स कैलकुलेट हुआ है? हाँ 9500 और 500 मिलाओ, पूरे 10,000 पे टैक्स कैलकुलेट हुआ है, नजर आ रहा है, हर क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, हर क्वेश्चन में चेक कर सकते हो। अच्छा अब बताओ क्या अगली इनकम कौन सी है? डिविडेंड इनकम। यार डिविडेंड इनकम का एक सिंपल, जब भी डिविडेंड इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है, पहले 2000 पे 0%, पहले 2000 पे, तो डिविडेंड है NRV और वो हर हाल में मिलता है, 2000 का 0% लो, जीरो,
एनआर भी तुम्हारे बैंड को भी कंज्यूम करता है, और एनआर भी 20,000 में से तुमने 2,000 पे टैक्स निकाल लिया, तो कितना बचा? 18 बचा, हाँ 18,000 बच गया। अब 18,000 को आपने पिक करना है, 18,000 को आपने क्या करना है, पिक करना है और उस पर नॉर्मल टैक्स निकालना है। तो जब 18,000 उठा के पहले इस पर नॉक करो, ये खत्म हो चुका है, इस पर आएंगे, बहुत जगह बची हुई है इस पर, बहुत जगह। तो बताओ डिविडेंड इनकम के इस बैंड का रेट क्या है? खत्म हो गया। 18,000 टाइम्स 33.75%, बोलो 60, सबको ऐड कर लो 193, यही है बेटा 19307। चलिए लिखें क्वेश्चन। प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम 30,000, प्रॉपर्टी इनकम 30,000, प्रॉपर्टी इनकम 30,000। नेक्स्ट लाइन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव 22, 22,000, इंटरेस्ट रिसीव 22,000, और डिविडेंड्स रिसीव्ड अगेन 30,000, डिविडेंड रिसीव्ड 30,000। आई रिपीट, प्रॉपर्टी इनकम भी 30,000 है, 30 है, इंटरेस्ट 22,000 है, और डिविडेंड कितने हैं? 30। रिक्वायर्ड आईटीएल, चलो सारी अंदर ही हैं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, डेट्स विद इन लिमिट्स हैं, सही है ना?
यानी हमारे फिस्कल ईयर में लाया कर रही है। चले रिक्वायर्ड आईटीएल, रिक्वायर्ड आईटीएल नॉन सेविंग कितनी थी हमारी 30, प्रॉपर्टी 30 थी, इंटरेस्ट 22 और ये 30, ठीक है। ये आपके पास टोटल इनकम आई होगी 30, 22 एंड 30, यही है बेटा। हर इंसान को पर्सनल अलाउंस कितना मिलता है 12 12 5 7 0, कितना बचा 17 0 3। फिर ये 22 और फिर ये 30, पक्की बात है हाँ। अब बेटा आप टैक्स कंपटीशन से पहले सबसे पहले इंसान का स्टेटस ज़रूर चेक करें, ज़रूर इन तीनों को ऐड कर लें। 52 और 17 कितना होता है 69430, 69430, आराम से देखें ये 69430 इन दोनों के बीच में लाया कर रहा है हाँ। तो बंदा कौन हुआ हायर रेट टैक्स पेयर, बंदा हुआ हायर रेट टैक्स पेयर, डन है HRTP। अब चलो जी अब जरा इस पे टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम कितनी है 17, इस पे नॉक करेंगे तो आराम से इसी के अंदर आ जाएगी हाँ। तो आपने यहाँ लिखा NS 17430 टाइम्स 20% 3486, ठीक है 37700 में से 17430 आपने यूज कर लिया राइट और ये इनकम खत्म हो गई। अब नंबर आता है किसका इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इनकम पे आम हालात में जब भी टैक्स कैलकुलेट होता है ना तो आम हालात में इंटरेस्ट इनकम का सिंपल रूल है पहले NRV फिर नॉर्मल टैक्स, पहले NRV फिर। तो अब बताओ इंटरेस्ट का NRV इंसान के स्टेटस के हिसाब से होता है और इस बंदे का स्टेटस था हायर रेट तो 500 का इंटरेस्ट का NRV होगा 500। आपने यहां लिखा इंटरेस्ट NRV 500 टाइम्स 0% इट्स 0। NRV हमेशा आपका बैंड कंज्यूम करता है हाँ। अब बेटा 22,000 की इंटरेस्ट इनकम में से 500 पे टैक्स कैलकुलेट हो गया, 21,500 रह गया, 21,500 रह गया हाँ। अब बताओ इस बैंड की कैपेसिटी कितनी बची है 1,970, होश में रहना ठीक है। तो अब आप इंटरेस्ट इनकम का उसूल पहले ही बताया था कि सबसे पहले NRV फिर नॉर्मल टैक्स, पहले NRV फिर। तो अब नॉर्मल टैक्स निकालें तो 21,500 यहां से उठाया और एक मिनट ये इनकम तो इतनी है ना 21,500, ये 21,500 की इनकम उठाई और यहां नॉक किया। तो बेटा इनकम ज्यादा है कैपेसिटी तो पूरी कैपेसिटी खा लेंगे, पूरी कैपेसिटी यूज कर लेंगे हाँ। तो कितनी है 19 और इंटरेस्ट के इस वाले बैंड का रेट है 20,3954 ठीक है। अब ये बैंड दी एंड हो गया, ये टोटली कंज्यूम्ड और 21,500 में से 19,770 पे मजीद टैक्स निकाल 17,30। अब आपके पास रिमेनिंग इंटरेस्ट इनकम कितनी रह गई 17 और ये 1730। अब ऑब्वियस सी बात है इस बैंड में आएगी और यहाँ तो बहुत कैपेसिटी, यहाँ तो मसला ही नहीं है। तो जब इस बैंड में आएगी तो 1730 टाइम्स 69622 है बस, सॉरी बस यही है। अच्छा ये बैंड आपका 1730 से यूज हो गया। अब सबसे आसान इनकम आ गई जिसका नाम क्या है
आंख बंद करके सॉल्व करो, डिविडेंड इनकम पे पहले 2000 पे 0%, फर्स्ट 2000 पे तो पहले एनआरबी लिखा, 2000 का 0% कितना आया, जीरो। अच्छा बताओ 30,000 में से आपने 2000 पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया तो कितना बच गया, कितना 28। अब आप इस 28,000 पे सामने देखें, ये 28,000 आराम से, क्योंकि इस पे 2000 आपने यूज कर लिया था और ये बैंड तो खत्म है, ये बैंड तो अब यहां आएगा और इसमें बहुत जगह है, अभी भी बहुत जगह है, राइट। तो यहां 28,000 और डिविडेंड के इस वाले बैंड का रेट कितना है, 9.4। चलो जी अब बताएं टोटल आंसर, 1। ये आ रहा है आईटीएल, मैंने इधर लिख दिया, साइट पे लिख दिया है ITL income tax liability 17582 कर लिया। क्विक एक और क्वेश्चन करें, प्रॉपर्टी इनकम 20,000, प्रॉपर्टी इनकम 20,000, प्रॉपर्टी इनकम 20,000, इंटरेस्ट रिसीव 7,000 एंड डिविडेंड रिसीव 1,800। आई रिपीट, प्रॉपर्टी इनकम 20,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,000 एंड डिविडेंड रिसीव्ड 1,800, 1,800 रिक्वायर्ड आईटीएल, कम ऑन स्टार्ट।
क्या देख लें, प्रॉपर्टी इनकम कितनी थी 20, प्रॉपर्टी इनकम 20, ये 7000 और ये 1800, 27 1800, पर्सनल अलाउंस कितना है, सही, चलो कितना बचा, सही। अब बंदे की जरा आप फॉरन से स्टेटस देखें, 14000 430 प्लस 1800 कितना होता है 23। अगर आप गौर करें तो 16230 की टैक्सेबल इनकम इसी के अंदर अंदर है, तो दिस गाय इज बेसिक रेट टैक्स पेयर, बेसिक रेट BRTP, हाँ ये बंदा है BRTP पक्का, हाँ भाई यही है। अब चलो टैक्स निकालें, सबसे पहले नॉन सेविंग उठाएंगे मजे से, अब तो गेम इसी के अंदर ही रहेगी ना, पहले ही जब बेसिक रेट बोल दिया तो इसी के अंदर रहेगी। चलो नॉन सेविंग लिखा कितना है 7430 टाइम्स 20% 1486 आ गया। अच्छा अब अगली चीज सुनो बेटा, बज़ाहिर मैं इसमें से यूं लेस कर देता हूं लेकिन जगह अभी भी बहुत है। अब बचा क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स निकालने के लिए पहले NRV फिर नॉर्मल टैक्स, पहले NRV फिर, और इंटरेस्ट का NRV इंसान के स्टेटस के हिसाब से, इंसान के, तो ये बंदा बेसिक रेट टैक्स पेयर है, तो इस बार इंटरेस्ट का जो NRV होगा ठीक है, NRV हमेशा बैंड कंज्यूम करता है, तो 7000 में से 1000 पे टैक्स निकाल दिया, 6000 रह गया। मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट इनकम पे जब भी टैक्स निकालेंगे पहले NRV फिर नॉर्मल टैक्स, पहले NRV फिर, तो अब ये नॉर्मल टैक्स कैसे निकलेगा, 6000 उठाया और बेटा इसी बैंड में बहुत जगह, इसी बैंड में, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट का, इस बैंड का रेट आपको पता है 20% होता है, कितना होता है 1200 आया, आ गया। चलो अब एक मिनट और 6000 यहाँ यूज़ कर लो, अभी भी बहुत कैपेसिटी है, अभी भी इसमें बहुत कैपेसिटी है। अब आते हैं डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड को देखते ही छोड़ दो, डिविडेंड इनकम पे पहले 2000 तक 0% है ना, ये सिर्फ कितना है, बस ये NRV की नज़र हो जाएगा, NRV की नज़र हो जाएगा, ये ख़त्म। आंसर बोलो, दिस इज योर ITL, किसी ने किया था, कर लिया। अब मैं आज की क्लास की सबसे सेंसिटिव चीज पढ़ाऊंगा भाई, अब ये सेंसिटिव चीज होगी, यानी सेंसिटिव से मुराद थोड़ा सा हल्का सा होश में रहना, एक निशानी लगानी होगी आज के बाद के लिए, ये आप लोगों ने खुद ही किया था। कर रहा हूं यार, हाँ
अच्छा बात सुने, पहले कुछ बातों को जमा करके ये बात समझनी है, कुछ चीज़ों को मिलाकर इस कॉन्सेप्ट को समझना है। पहली चीज़ ये बात तय है कि दीज बैंड्स आर डिस्पोजेबल बैंड्स। पक्का? तर्जुमा क्या है इसका? मतलब ये कि अगर एक बार कोई एक बैंड किसी एक इनकम के लिए पूरी तरह यूज़ हो गया तो वो दूसरी इनकम के लिए यूज़ नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है। पक्का? यही पढ़ाया था। हाँ, these bands are disposable bands, these bands are disposable bands। बताया था ये कि एक बार कोई एक बैंड किसी एक इनकम के लिए पूरी तरह यूज हो गया, वो किसी और इनकम में यूज। दूसरी बात, जब भी टैक्स कैलकुलेट होगा हमेशा हमेशा ऑलवेज पहले नॉन सेविंग पे, फिर इंटरेस्ट पे, फिर डिविडेंड, पहले नॉन सेविंग फिर इंटरेस्ट, फिर ये दो बातों को अपने जहन में रखना, तीसरी बात समझ जाओगे। बेटा मज़े की बात ये थी, आज से पहले तुमने जितने भी सवाल किए, तुम चाहो तो चेक कर लो, उसमें हमेशा इस नॉन सेविंग इनकम के कॉलम का जो फाइनल आंसर था ना, वो 5,000 से ऊपर होता था। जितने भी तुमने सवाल किए नॉन सेविंग इनकम के कॉलम का फाइनल आंसर ये नीचे वाला आंसर 5,000 से, तो जब ये 5,000 से ऊपर होता था, 5,000 से, तो ये वाला जो बैंड है वो हमेशा नॉन सेविंग ही खाता था, क्योंकि नॉन सेविंग का नंबर पहला है ना, नॉन सेविंग पहले नंबर पे टैक्स कैलकुलेट होता है ना, और नॉन सेविंग का फाइनल आंसर अगर 5,000 से ऊपर है, यानी नॉन सेविंग की टैक्सेबल इनकम 5,000 से ऊपर है, तो पहले फुर्सत में ये वाला बैंड नॉन सेविंग खा जाएगा। जब ये वाला बैंड नॉन सेविंग ने खा लिया तो फिर इंटरेस्ट का तो नंबर ही नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट का 0% वाला बैंड किसी भी सवाल में अप्लाई नहीं हुआ अभी तक किसी भी सवाल में अप्लाई, क्योंकि अभी तक हमेशा NS नॉन सेविंग इनकम के कॉलम का फाइनल आंसर 5,000 से ऊपर था। जाके चेक भी कर लो हर सवाल में। लेकिन अब क्या होगा, केस पढ़ो, अब इस तरह की चीज आएगी, देखो पढ़ो, आंखें खोलो, NS का फाइनल आंसर तुम्हारे पास कभी 3,000 आएगा, कभी 2,000, कभी 2,500, कभी 4,000, इस तरह। तो पांच से तो जब भी नॉन सोचना शुरू करो, सोचो भी, जब भी नॉन सेविंग इनकम के कॉलम का फाइनल आंसर 5,000 से कम होगा, तो इसका मतलब अब ये वाला बैंड नॉन सेविंग ने पूरा यूज, अब ये जो बच्चा बैंड है, बच्चा नजर आ रहा है, ये बच्चे वाला बैंड नॉन सेविंग ने पूरा यूज, तो अब इंटरेस्ट इनकम का भी नंबर आएगा ना, तो ऐसे सवाल में इंटरेस्ट इनकम का 0% वाला बैंड एक्टिव हो जाएगा, और ऐसे सवाल में स्लो सुनो, मैं बैंड की डिस्ट्रीब्यूशन यूं करूंगा। आज से पहले मैं डायरेक्ट लिखता था 0 से लेके 37, यूं लिखता था ना, क्योंकि उस छोटे बैंड की जरूरत ही नहीं होती थी, छोटे बैंड की। लेकिन आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा तो मैं बैंड्स को यूं ब्रेक करूंगा, 0 से लेके 5,000 ये रही, फिर 5,000 से 37,700 कितनी कैपेसिटी है, और फिर अबव। हाँ पक्का? तो पहली दो बातें जहन में रख लो, सवाल मैं खुद कराऊंगा। आज के बाद नॉन सेविंग इनकम के कॉलम का फाइनल आंसर अगर कभी भी 5,000 पाउंड से कम होगा ना, तो फिर सबसे पहली बात यह कि इंटरेस्ट इनकम का ये 0% वाला नया बैंड एक्टिव हो जाएगा, और आज के बाद फिर बैंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन यूं करना, जब तुम अपने आप को समझाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो इस तरह करना। सही? हाँ, ये इससे पहले कभी अप्लाई नहीं होता, जाके चेक कर लो, पिछले हर सवाल में नॉन सेविंग इनकम का फाइनल आंसर 5,000 से ऊपर ही होता था, तो ये पहला वाला पूरा बैंड नॉन सेविंग खा जाता था। जब पहला वाला ये पूरा बैंड नॉन सेविंग खा जाता था, तो इंटरेस्ट के 0% के बैंड की जरूरत नौबत ही नहीं आती थी। हाँ जी, तो ये एक डिफरेंट केस है, यानी जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, तो बॉडी को एक अलग से इशारा देना, भाई अलग चीज है, ये चीज ही डिफरेंट है। सही? तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग से होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, ठीक है। हाँ, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो, मैं कराऊंगा, लेकिन आप डिक्टेट, प्रॉपर्टी इनकम लिख लो 14,000, प्रॉपर्टी इनकम 14,000, 50,000 और डिविडेंड रिसीव 20,000। I repeat, property income 14,000, interest received कितना बताया था, 50,000 और dividend received है 20,000, ठीक है। चलो यहां देख लो, बेटा जी जरा बोर्ड पे देख लें, प्रॉपर्टी लिखा कितना है भाई,
14 ना, 14 सॉरी 14, और ये 50 और ये 20. चलो ये इंटरेस्ट है और ये डिविडेंड है. चलें जी टोटल कर लेते हैं, 14 और 50 और 20, सही है, 14, 50 और 20, टोटल आ गया, टोटल आ गया. अच्छे बच्चों, हर इंसान को साल में एक बार पर्सनल अलाउंस कितना है, 12,570. पर्सनल अलाउंस इज 12,570. यहाँ देखें, करो डिफरेंस लो, 1,430, 50,000 और ये 20,000. अब खुद सोचो यार, इतने पढ़े बड़े हो गए हो यार, एकदम सवाल में डिफरेंस फील नहीं हो रहा. इस सवाल में पहली बार, इस सवाल में पहली बार नॉन लिखना मना है भाई. इस सवाल में पहली बार नॉन सेविंग इनकम के कॉलम का फाइनल आंसर 5,000 से 5,000 से कम आया है. तो हैजार्ड की लाइट उसी वक्त ऑन ऑफ दिमाग में जलबुझ. डिफरेंट केस ही है, ऐसा केस पहले नहीं था. सोचो तो सही भाई, इतना तो सोच सकते हो. हाँ पक्का. चलो अब मैंने देखो आपके सामने वो बैंड की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है. अच्छा काम कोई मुश्किल नहीं है यार, एक साथ अभी तुम काफी सारा पढ़ चुके हो यार, अब तो गेम स्टार्ट है तुम्हारी. सुनो, हमेशा टैक्स पहले सबसे पहले किस पे कैलकुलेट होगा, नॉन सेविंग. किस पे? आराम से चलते हैं. ये नॉन सेविंग उठाया और इस वाले बैंड पे नॉक किया, कितनी जगह है और ये इनकम कितनी है, तो आराम से इसी बैंड में आ जाएगी. चलो भाई यहाँ लिखा N/S1430 का 20%, बोलो 28. अच्छा ये हो गया. हाँ अब बताओ इस 5,000 में से 1,430 यूज हो गया, 5,000 में से 1,430 अभी भी कितनी कैपेसिटी बच गई बताओ, 3,570. पक्का? हाँ. अब यहां से शुरू होगा गेम. किसका? इंटरेस्ट का. किसका? इंटरेस्ट का गेम शुरू हुआ. लेकिन अब पहली बार ऐसा है कि इंटरेस्ट का ये वाला बैंड खाली पड़ा है. इंटरेस्ट का ये वाला बैंड, 0% वाला बैंड खाली पड़ा है. तो अब यूज करेंगे ना इस अपॉर्चुनिटी को, क्यों जाया करें. 0% इज द अट्रैक्टिव टैक्स रेट. 0% से अच्छा क्या है. हाँ तो अब मेरी तरफ देख ले, जल्दी नहीं, आराम से सामने कुछ नई चीज बता रहा हूँ. जब भी इस तरह का सवाल आएगा जिसमें इंटरेस्ट का ये 0% यानी 5,000 वाला बैंड फारिग होगा, जिसमें इंटरेस्ट का 0% यानी 5,000 वाला बैंड, तो अब इंटरेस्ट पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, जरा सुन लो. तीन कदम है. कितने कदम है? तीन स्टेप्स हैं. पहले ये 0% वाला बैंड यूज करना, फिर NRB और फिर नॉर्मल टैक्स. वापस से बोल रहा हूँ, वापस. जब भी इंटरेस्ट का ये 0% वाला आइडियल है ये, तो इंटरेस्ट का ये 0% वाला अट्रैक्टिव बैंड खाली मिले ना, तो सबसे पहले तो इसको खाना, इंटरेस्ट इनकम के लिए सबसे पहले इसको खाना. हाँ तो इंटरेस्ट इनकम पे जब भी टैक्स निकालना और ये 0% वाला बैंड फारिग हो, तो तीन काम करने. तीन कितने काम है? पहले ये 0% वाला बैंड यूज करना, फिर NRB और फिर नॉर्मल टैक्स, फिर NRB और फिर, जबकि लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट NRB और नॉर्मल टैक्स ना. अब ये एक स्टेप इससे भी पहले ऐड कर देना कि इंटरेस्ट का ये 0% वाला बैंड मिले तो भूखे बन जाना. ये तो बहुत अट्रैक्टिव बैंड है भाई. हाँ जी अब देखें यहाँ कितनी इंटरेस्ट इनकम है, प्लीज देख लो प्लीज. 50,000 की ये इनकम उठाई और यहाँ नॉक किया, कितनी जगह है, इनकम ज्यादा है, ये बैंड फुल यूज कर लेंगे. चलो इंटरेस्ट शुरू हुआ, इंटरेस्ट शुरू, इधर देखो 3,570 और बताओ इस वाले बैंड के इंटरेस्ट का रेट. चलो जी जबरदस्त. और ये बैंड खत्म, आप खत्म, ये बैंड 50,000 में से 3,570 पे टैक्स कंप्लीट हो गया. अब अगला कदम मैंने क्या बोला था, अब तुम्हें NRB, अब क्या करना है. अच्छा ये बैंड पूरा खत्म है, अब NRB बताओ इंटरेस्ट इनकम का NRB. एक चीज मैंने नहीं की इस सवाल में, एक चीज मैंने इस सवाल में अभी तक नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी. बंदे का स्टेटस नहीं चेक किया. क्या स्टेटस था? 20,000 और 50,000, 70 और 71. ये बंदे की टैक्सेबल इनकम थी 71,430, इसकी टैक्सेबल इनकम थी. तो ये बंदा कौन था? ये मुझे पहले करना चाहिए था, मैंने नहीं किया भाई. आप लोग पहले करना ही का. अब बात सुनो, मैंने पहले 0% वाला बैंड यूज कर लिया. अब अगला काम क्या है? इंटरेस्ट का NRB, इंटरेस्ट का
इंटरेस्ट का एनआरबी हमेशा इंसान के स्टेटस के हिसाब से होता है, हमेशा इंसान के, तो इसके स्टेटस के हिसाब से इसको एनआरबी मिलेगा भाई 500, कितना सही। इधर देखो मजीद 500 पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया, हाँ कर लिया। एक बात कितनी बार बोली है, कितनी बार बोली है कि एनआरबी का रेट बेशक 0% होता है लेकिन एनआरबी बैंड को कंज्यूम, तो भाई ये बैंड तो खत्म हो गया, तो आप यहाँ पे आ गए थे ना, ये बैंड तो खत्म हो चुका है, यहाँ आ गए थे, तो यहाँ एनआरबी तुम्हारा बैंड कंज्यूम करेगा भाई। कितना बचा, 32 200 का बैंड बच गया, 32 200 का बैंड। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, तुमने इंटरेस्ट का 0% वाला बैंड भी यूज कर लिया, हाँ तुमने इंटरेस्ट का एनआरबी भी यूज कर लिया, अब इंटरेस्ट पे नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स निकालो जैसे निकालते थे। कितनी इंटरेस्ट इनकम बची हुई है बताओ, 45 93, इतनी बची हुई है, 45 930 की बची हुई है। मैं एक मिनट उधर लिखूंगा, मेरे पास यहाँ जगह कम है ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। इंटरेस्ट कितना बचा हुआ है, 45, उधर जगह कम है तो यहाँ लिख रहा हूँ ताकि साफ सुथरा काम हो, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट इनकम को उठाएंगे और इस पर नॉक करेंगे, इसमें कितनी जगह है, और वो इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा है ना, तो ये पूरा बैंड भी यूज़ हो जाएगा 32 200। और बताओ इस बैंड का रेट क्या होता है, इंटरेस्ट के इस बैंड का रेट है 20 6 4 6 4 0, यही है ना, छोड़ दो। अच्छा इंटरेस्ट 45 930 में से मजीद अपने 32 200 पे टैक्स निकाल लिया, हाँ इंटरेस्ट 45 930 में से मजीद 32 200 पे टैक्स निकाल लिया, कितना बचा, 13, इतना बचा। कॉमन सेंस है भाई, ये बैंड भी अब गया ना, ये बैंड भी गया, बचा ही वो है, तो आराम से ये 13,700 इसमें आ जाएगा, हाँ 13,730 मल्टीप्लाई बाय इस बैंड का रेट होता है इंटरेस्ट का 40। सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए यार, कॉन्फिडेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस भी छोड़ो कॉन्फिडेंस। 5492 इंटरेस्ट इनकम खत्म। वेरिफिकेशन भी एक सिखाता हूँ, चलो तुम चाहो तो ये 1 2 3 और 4, इन चारों नंबर को ऐड करोगे तो पूरी 50,000 की इंटरेस्ट इनकम बनेगी। यानी कभी चेक करना हो ना तुमने टैक्स सही कैलकुलेट किया है, पूरा अमाउंट पे किया है, तो देखो 3570 फिर 500 फिर 32200 और 13730, चारों नंबर को ऐड करोगे 50,000 ही बनेगा। हाँ अब आ जाओ दुनिया की सबसे आसान इनकम, डिविडेंड। क्या है डिविडेंड इनकम का उसूल बताओ, चलो भाई फारिग है, फारिग। डिविडेंड इनकम एनआरबी लिखा 2000 का 0%, जीरो, हाँ अच्छा इस बैंड को हमने 13 कितने से कंज्यूम किया था अभी, फिर इसको एनआरबी से भी कंज्यूम किया, फिर इसको डिविडेंड के एनआरबी से भी कंज्यूम किया। अब बताओ डिविडेंड इनकम थी कितनी, 20 में से आपने 2000 पे टैक्स निकाल लिया, 18,000 बचा, हाँ अब आप 18,000 को, अब आप 18,000 को किस रेट पे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, डिविडेंड के ये सब बैंड सब खत्म है ना, तो डिविडेंड इसी बैंड में आएगा, और डिविडेंड के इस बैंड का रेट क्या है, 33.5, जबरदस्त 6075। चलो कोई अच्छा सा बच्चा मुझे ITL बता सकता है, ये 1 2 3 4 18293 this is your ITL, बिल्कुल आराम से रिकॉर्ड करें, कोई मसला ही नहीं है, सुकून से करें।
थोड़ी देर में, इत्तेफाक से आज मेरी एक क्लास दो बजे दो टाइम एक साथ दो क्लासें लग गई 12 बजे, तभी वो बच्चे अंदर घुस रहे थे, मैं उनको भगा रहा था, तो अब उनकी क्लास मुझे कैंसिल करनी पड़ी उनकी, अब कोई और क्लास होगी। अब इसकी प्रैक्टिस तो करोगे ना, वरना कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस के बगैर कैसे करोगे। मुझे नहीं पता वैसे है ये काम की चीज। चलें हम लिखें क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो जल्दी, अरब करके दो। ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग इनकम 9000, ट्रेडिंग इनकम 9000, इंटरेस्ट रिसीव 21000, ट्रेडिंग इनकम 9000, इंटरेस्ट रिसीव 21000। And then dividend receive 40,000. Dividend receive 40,000. Trading income 9,000. Interest receive 21,000. And dividend receive 40,000. Required income tax liability, ITL.
कितना है? हाँ जी, बात करें। हाँ बात करें, सुनिए बेटा, आपके पास नॉन सेविंग इनकम कितनी थी? 9000, इंटरेस्ट था 21000 का और डिविडेंड था 40 का, चेक कर लें प्लीज। अच्छा आप लोग कर रहे हो भी, सॉरी करें करें ट्राई करें। कराऊंगा, क्या आंसर आया? चलें यहाँ देखें, यहाँ देखें, सुनिए आपके पास, सुनिए बेटा, ये 9000 पर्सनल अलाउंस कितना होता है? 12 1257। तो 12570 में से मैंने कहा था पर्सनल अलाउंस के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है नॉन सेविंग। तो पहले 9000 यहाँ से किया, अब 12000 में से 9000 निकालो तो 3570 का पर्सनल अलाउंस ज़ाया नहीं करना, वो इंटरेस्ट पे यूज करना है, याद है? चलो या आपकी रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम आ गई। अच्छा क्वेश्चन में इंटरेस्ट इनकम है तो इंसान का स्टेटस लाजमी चेक करना है, इंसान का स्टेटस लाजमी। तो ये बन रहा है 57430 की टैक्सेबल इनकम बन रही है, और बेटा ये लाया कर रहा है 37700 से ज़्यादा और 150 से कम, तो बंदा कौन है? HRTP, हायर रेट टैक्स पेयर। अब मजे की बात सुनो, वही केस है जो लिखवाया था। बताओ नॉन सेविंग इनकम के कॉलम का फाइनल आंसर क्या है? जीरो। नॉन सेविंग इनकम के कॉलम का फाइनल आंसर जीरो है, माने 5000 से कम, 5000 से। तो बस बैंड की एलोकेशन अब इस तरह ही होगी। और दिमाग से सोचो, जब नॉन सेविंग इनकम है ही नहीं तो ये पूरा बैंड इंटरेस्ट के लिए खाली पड़ा है ना, इंटरेस्ट के लिए। नॉन सेविंग इनकम है ही नहीं, तो अब डायरेक्ट इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स निकालेंगे और इंटरेस्ट इनकम पे पूरा ये बैंड हमारे लिए खाली पड़ा है। तो ये तो आइडियल बैंड है ना, इसको तो सबसे पहले खाना है, इसको तो सबसे पहले यूज करना है। अगर इंटरेस्ट के लिए अवेलेबल है तो सबसे पहले इसको यूज करना है। सुनिए यहां, मैंने यहां लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिखा और इंटरेस्ट इनकम थी कितनी? 17। इसको उठा के यहां नॉक करूंगा, ये बैंड की कैपेसिटी कम है और इनकम, तो पूरा ये 5000 वाला बैंड यूज कर लूंगा। कितना आया? जीरो आया, जीरो आया। हाँ ऐसा ही है। अब अगली चीज देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, अब ये बैंड फुल कंज्यूम्ड है, ये टोटल कंज्यूम हो गया। अच्छा 17430 में से 5000 पे टैक्स कंप्लीट हो गया। अब बताओ, जब भी इस तरह का सवाल होता है जिसमें इंटरेस्ट का 0% वाला बैंड यूज होता है, तो तीन कदम होते हैं। पहले 0% वाला बैंड यूज करते हैं 5000 वाला, फिर NRV, फिर नॉर्मल टैक्स। अब बताओ इंटरेस्ट का NRV इंसान के स्टेटस के हिसाब से मिलता है? हायर रेट टैक्स पेयर है, तो इंटरेस्ट का NRV इसको मिलेगा 500 और NRV का रेट क्या होता है? तो जीरो आ गया, जीरो आ गया पक्का। और भाई NRV हमेशा बैंड कंज्यूम,
एनआरबी हमेशा बैंड कंज्यूम करता है, हाँ पक्का। अब इधर देखो 17430 में से पहले 5000 पे टैक्स निकाला, फिर 500 पे, अब कितना बचा? 11930। जरा इस बैंड में अब कैपेसिटी कितनी बची है? 32200 बची है। बहुत आराम से देखो, इंटरेस्ट इनकम पे जब भी इस तरह का केस हो तो पहले 0% वाला बैंड यूज करते हैं, फिर एनआरबी और फिर नॉर्मल टैक्स, फिर बस नॉर्मल टैक्स निकालो। 11930 को उठाया, इधर नॉक किया, ये तो खत्म है, इधर बहुत जगह, इधर तो आराम से यहाँ आ जाएगी 11930 मल्टीप्लाई बाय 20%, बताओ 2386 पक्का। इंटरेस्ट इनकम डन, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा बताओ, इस बैंड में 32200 में से आपने मजीद 11930 यूज कर लिया, कितना बचा? 20270, यही है। अब शुरू होता है आखिरी इनकम, जिसका नाम है डिविडेंड इनकम। क्या नाम है? डिविडेंड इनकम 40,000 है, नो टेंशन है, ये तो सबसे टेंशन से कम इनकम है। डिविडेंड इनकम का उसूल क्या है? पहले एनआरबी हमेशा 2000 पे 0%, हाँ जीरो आ गया। अच्छा मैं थोड़ी सी जगह कम है उधर लिख रहा हूँ चीजें। ये जो बचा हुआ बैंड था, ये जो बचा हुआ बैंड था कितना? 20270। मैंने हमेशा से क्या बोला है, माना एनआरबी का रेट 0% है लेकिन एनआरबी बैंड को कंज्यूम, तो बेटा ये 20270 में से 2000 एनआरबी ने कंज्यूम कर लिया, अब कितना बचा? 18270। अच्छा इधर देखें, 40,000 में से भी 2000 पे टैक्स कंप्यूट कर लिया, कितना बचा? कितना बचा? 38,000 बचा। अब नॉर्मल टैक्स निकालो, चलो इसको उठाया 38,000 को, ये बैंड तो खत्म है, इस बैंड पर आए तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गए क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया। इस बैंड में कितनी जगह है? सिर्फ 18270, तो बैंड में कैपेसिटी कम है जबकि इनकम, तो ये बची हुई कैपेसिटी पूरी खा जाएंगे, पूरी यूज कर लेंगे 18270। और बताओ डिविडेंड केस बैंड का रेट 8.75%, 8.15999, यही है, हाँ ये बैंड भी टोटल खत्म, टोटल। अच्छा बताओ 38,000 में से 18270 पे टैक्स कंप्यूट कर लिया, कितना बचा? 1973 की डिविडेंड इनकम बची। और कॉमन सेंस की अब बात है, जब ये पूरा बैंड खत्म हो गया तो यही आएगी ना, और ये तो बहुत बड़ा बैंड है, तो ये आ जाएगी 19730 मल्टीप्लाई बाय 33, बोलो 66 5 66 59। फाइनल आंसर कोई बताएगा? 10, सही है, बिल्कुल सही है, ITL इनकम टैक्स लाइबिलिटी 10644। किसी का आया था? किसी का आया था, बाकी लोगों का नहीं आया था, कहाँ फंस गए थे? अब समझ गए, पक्का समझ गए ना भाई, धोखा मत देना, आना चाहिए, कोई इतना मुश्किल थोड़ी है। तुम लोग चाह क्या रहे हो, डेवलप्ड नेशन में कहाँ कहाँ जाना चाह रहे हो, और तुम लोग ये बेसिक से भाई, तो ख्वाब बड़े बड़े हैं तुम लोग के, काम भी करना होगा। और यूं करके सोचो कि बस अब समझ लो तुम यूके का किसी का टैक्स फाइल करोगे, तो बस इस पेपर के बाद तुम्हें काम करना है, तुम्हें पैसे बनाने हैं, इस नीयत से पढ़ोगे ना तो फिर ऐसा पढ़ोगे, तुम्हारी सोच है नहीं ना, वरना तो अगर क्लाइंट को काम गलत करके दे दिया तो केस हो जाएगा। इस नीयत से पढ़ो भाई। एक सवाल असाइनमेंट में दे रहा हूँ बस, फिर क्लास ऑफ कर रहा हूँ, वो आप घर पर कर लेना, नेक्स्ट मीटिंग में मैं कराऊंगा, वो भी कराऊंगा, लेकिन अभी असाइनमेंट दे रहा हूँ ताकि थोड़ा रवानी चाहिए आप लोगों। ट्रेडिंग इनकम 14300। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग, ट्रेडिंग इनकम इज 14300। नंबर टू, इंटरेस्ट रिसीव्ड है 8000, इंटरेस्ट रिसीव है 8000 यानी 8000,
और तीसरी चीज है डिविडेंड रिसीव 21,000, डिविडेंड रिसीव है 21,000, डिविडेंड रिसीव है 21,000, डिविडेंड रिसीव इज 21,000, डिविडेंड रिसीव इज 21,000. रिक्वायरमेंट है आईटीएल. रिक्वायरमेंट क्या है? आईटीएल.